आज अपने किचन में चल रहे हैं इस तरह से ढोकला बनाने के लिए। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मात्र 5 मिनट में ढोकला को बना के तैयार करेंगे। अब बहुत आसान तरीका है जालीदार ढोकला कैसे बनाए। दोस्तों आज संध्या के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अपने किचन में आज हम दोपहर के नाश्ता बना रहे हैं। तो देखिए क्या बनाते हैं नाश्ते में, हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बेसन इसमें डाल रहे हैं, आज ढोकला बनाने के लिए चल रहे हैं हम। यहाँ पे बेसन डाल दिए। बेसन डालने के बाद से डालेंगे हम यहाँ पे देख रहे हैं नमक। यहाँ पे डालेंगे हल्दी। हल्दी ढोकला में बहुत कम डाला जाता है। उसके बाद डालेंगे यहाँ पे चीनी। यहाँ पे हमने 2-3 कटोरी लिए थे, तो 2 कटोरी इसमें हम डाल दिए, 1 कटोरी बचा लिए हैं मैं बेसन को। अब इसमें हम पानी डालेंगे। अब पानी डालकर एक घोल बनाएंगे इसका अच्छे से। इसको 3 मिनट हम अच्छे से फेटेंगे पहले। तो देखिए इसको 3 मिनट अच्छे से फेट ले रहे हैं। यहाँ पे सरगम वीडियो बना रही है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छे से इसको हम फेट लिए हैं। यहाँ पे इस तरह से कुछ फेटे देख रहे हैं, इतने गाढ़े ढोकला को हमको चाहिए। इसमें डालेंगे एक नींबू का रस। नींबू का रस डाल के अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। दोस्तों आपको जल्दीबाजी में बनाना है ढोकला को, तभी भी आप 10-15 मिनट इसको पहले ढक के रख दीजिए। यहाँ पे रेस्ट आज इसको हम 1 घंटे पूरा देंगे। 1 घंटे रेस्ट के बाद फिर इसको हम ढोकला बनाएंगे। तो चलिए इसको ढक कर इसी तरह हम रख दे रहे हैं। 1 घंटे इसको फेटने के बाद से देखिए यहाँ पे ढक दिए थे, तो इस तरह से बिल्कुल सूखा हो गया, आप लोग देख सकते हैं इसको। अब इसको हम ढक दे रहे हैं। इधर गैस को जलाएंगे पहले। आप ये फिर 15 मिनट के लिए फेट के भी रख सकते हैं। फिर 1 घंटे रखेंगे बहुत काफी अच्छा बनता है। जला लिए हैं, तो सबसे पहले हम गैस को जला के क्या करेंगे, कढ़ाई इस पे रखेंगे। कढ़ाई में डालेंगे पानी, ढक के इसको गर्म करेंगे अच्छे से। तर बर्तन में घी हो चाहे रिफाइन तेल आप इस तरह से लगा सकते हैं चारों तरफ से। अब यहाँ पर देखिए हम लिए हैं इसमें खाने वाला सोडा हमारा है, तो 2 चुटकी करीब इसमें हम लिए हैं। इसमें डालिए, तो इसको आप कब डालिए जब जानते हैं आपके। पानी इसमें गर्म करने के लिए रख दीजिए, उसके बाद आपको इसमें मीठे सोडा डालने हैं। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे 2 चम्मच इसमें डालेंगे। अब डाल दिए। अब डालकर इसको अच्छे से हाथ से हम 5 मिनट के लिए फेटेंगे। इसको जितने फेटते हैं उतने अच्छे हमारा जालीदार बनता है ढोकला। अब देख रहे हैं ढोकला हमारा कितना अच्छा कि फिटा गया है इतना अच्छे से, बिल्कुल इसी तरह हमको चाहिए। अब यहां पे देख रहे हैं एक बर्तन लिया है, आपके पास चिंगारी हो चाहे कोई भी बर्तन लेकर इस तरह से आप इसमें पलटी कर दीजिए। थाली को इस तरह से कर लेंगे। अच्छे से गर्म है तो पानी में इस तरह से जैसे हो चाहे आपके पास सही तरह से कटोरे हो आप डाल सकते हैं। इसको हम इस तरह से ढक के पकाएंगे। इसके ऊपर से कोई भारी चीज रख देंगे जाके गैस जरा सा भी मत निकले। इसको 15-20 मिनट हमको इसी तरह पकाना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे 12 मिनट हो चुका है, तो 12 मिनट के बाद हम एक बार चेक करेंगे इसको। दोस्तों जाके इसके पानी जिस इसमें का खत्म हो जाए। तो दोस्तों देख रहे हैं मेरा ढोकला बहुत काफी अच्छे से फूल भी गया है, आप देख सकते हैं। अब इसको एक बार चाकू लगा के हम चेक करेंगे।
तो देख रहे हैं कि बिल्कुल इसमें लगा नहीं है, हल्का फुल्का लग रहा है, तो दो मिनट इसको और छोड़ रहे हैं इसी तरह। अब बहुत काफी अच्छे से ढोकला फूल भी गया है, तो इसको निकाल ले रहे हैं। गैस को बंद कर देंगे। अब हम करियों को हमने रख दिए तड़के लगाने के लिए। यहाँ पे ढोकला देख रहे हैं बहुत काफी अच्छे से फूला भी है और बहुत काफी सुंदर हुआ है ढोकला। ये ढोकला को अभी गर्म में नहीं, इसको निकालने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब निकालेंगे ढोकला को। इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। इधर देख रहे हैं एक नींबू लिए हैं, एक नींबू का रस हम निकाल लेंगे। तो नींबू का रस देखिए आप निकाल रहे हैं अच्छे से। इसमें डालेंगे देख रहे हैं चीनी, 2 चम्मच चीनी डालेंगे हैं। अब कढ़ी के पानी को हम बना ले रहे हैं। इसमें एक नींबू का रस भी डाल दे रहे हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चुटकी नमक। खट्टे मीठे पानी वाला है, हमें बन के बहुत काफी अच्छे के तैयार हो गया है। देख रहे हैं हम लोग, अब गैस को हम बंद कर दे रहे हैं। अब पानी को इसी तरह ठंडा होने देंगे, गरम गरम पानी बिल्कुल नहीं डालना है। ढोकला जब ठंडा हो जाएगा तब हम पानी को डालेंगे। तभी इसको निकालना चाहिए, अभी हमारा बहुत ज्यादा गर्म है। यहाँ पे देखिए हम इसको निकाल रहे हैं चाकू सहारे से। अब एक प्लेट लिए हैं, प्लेट में इस तरह से हम करके इसको पलटी कर लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत काफी अच्छा ढोकला हमारा भी जैसे बन के तैयार है। आप लोग देख सकते हैं स्टेज पे आप बनाएंगे तो बहुत काफी अच्छे से बनता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे कि हम थाली बनाए तो थोड़ा सा खाले हो गया है, देखिए ऊंचे हो गया हमारा ढोकला जो है, बिल्कुल रुई जैसे देख रहे हैं फूला है। चलिए इसको जैसे काटना चाहते हैं उस तरह से आप काट सकते हैं। दोस्तों इस तरह से देखिए ढोकला कितनी अच्छी बन के तैयार है हमारा जालीदार। तो इस तरह से ढोकला को हम काट लेना है छोटे छोटे पीस में। जैसे आप काटना चाहते हैं उस तरह से ढोकला को काट सकते हैं आप। बहुत ज्यादा गर्म है, ठंडा जब पानी जरा तभी हमको डालना है, गर्म पानी नहीं डालना है नहीं तो जो हमारा ढोकला है वो बिल्कुल गल जाता है। तो ढोकला के इस तरह से हम देखिए आप लोग को दिखा भी रहे हैं, पीस निकाल कर दिखा रहे हैं। तो देखिए कितने रुई जैसे हमारा सॉफ्ट ढोकला बन के तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। अब ढोकला को ऊपर हम इस तरह से गिराएंगे पानी, तो देखिए काफी अच्छे अच्छे ढोकला में पानी हमारे पूरे चारों तरफ से भीग गया है। अब इसके ऊपर देखिए हरी मिर्ची रख देंगे। तो ढोकला आप मार्केट जैसे ढोकला घर में बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से।
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ढोकला बन गया हमारा तैयार है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ढोकला कैसा हमारा वीडियो आप लोग को लगा है। तो राजस्थानी ढोकला आप लोग इस तरह से बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।